एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना कई बार बहुत मुश्किल काम बन जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में शायद उतनी जानकारी नहीं होती, और कहीं ना कहीं मन में डर होता है कि क्या भाई हमारे बाद क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी काम आएगी कि नहीं आएगी। अब लाइफ इंश्योरेंस, एक कहावत है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती भी पैराशूट की तरह है कि जीवन में एक ही बार काम आती है, उसके बाद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो और ये कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है जब लोगों के पास दो ऑप्शंस होते हैं कि भाई जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस लें या इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस ले लें। तो आज का वीडियो हमने इसलिए बनाया है कि आपको ये क्लैरिटी दे पाएँ एक सिंपल कंपैरिजन करके कि जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस के क्या फ़ायदे हैं, क्या फीचर्स हैं, और इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस लेने के क्या फ़ायदे हैं, क्या फीचर्स हैं। सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए कि अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो आपको जॉइंट लेना है अपने स्पाउस के साथ या आपको इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट जो कि सबसे बेसिक पॉइंट है कि भाई जॉइंट लाइफ और इंडिविजुअल लाइफ में पहला डिफरेंस क्या है। ऑब्वियसली जैसा नाम बता रहा है वही डिफरेंस है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी में एक ही पॉलिसी के अंदर दो लोग का इंश्योरेंस हो जाता है। ये अब कौन कौन ले सकता है? ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ ले सकते हैं। और इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जैसा नाम बता रहा है सिर्फ एक ही का इंश्योरेंस हो सकता है। तो या तो ये हस्बैंड अपने लिए ले सकते हैं या उनकी वाइफ अपने लिए अलग से ले सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा पहला पॉइंट, बिल्कुल बेसिक डिफरेंस। दूसरा पॉइंट है इंश्योरेंस कवर को लेकर कि भाई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो ले ली बट अब यू नो उसमें कवरेज क्या है, क्या कैसे वो क्लेम मिलता है। तो जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जहाँ पे एक ही पॉलिसी में दो लोग कवर होते हैं, दो में से किसी की भी अगर डेथ होती है तो दूसरे को पूरा का पूरा इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है और पॉलिसी क्लोज हो जाती है। और इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस में भी ऐसे ही होता है, बट होता क्या है कि अगर हस्बैंड और वाइफ ने दो अलग अलग पॉलिसीज ली हुई हैं तो जो जिसकी भी डेथ होती है उस वहाँ पे जो नॉमिनी होता है उस नॉमिनी को पैसा मिल जाता है और पॉलिसी बंद हो जाती है। कई बार जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी एकदम से बंद नहीं होती। कुछ कंपनीज ये भी ऑप्शन देते हैं कि अगर एक मेंबर जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस में जिसकी डेथ हो जाए दूसरा अगर चलाना चाहे, उसका क्लेम तो मिल गया, दूसरा अगर चलाना चाहे तो कंटिन्यू भी कर सकता है। ऐसे कुछ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑप्शन देती हैं जो कि इंडिविजुअल में नहीं होता। इंडिविजुअल में अगर लाइफ इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो पॉलिसी क्लेम सेटल करके बंद हो जाती है। तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट पे आ जाते हैं प्रीमियम के बारे में। क्यों? क्योंकि अब कितना खर्चा होगा, कितना प्रीमियम देना पड़ेगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में दोनों की लाइफ को क्लब करके एक इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है, और इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस में जो जिसका भी इंश्योरेंस लेना होता है उसकी एज के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो अब ऑब्वियसली क्योंकि जॉइंट लाइफ में दो लोग की एज को कंबाइन करके प्रीमियम निकाला जाता है तो प्रीमियम ऑब्वियसली ज़्यादा ही होता है। बट कई केसेस में अगर वही लोग अलग अलग पॉलिसी लें और जितना प्रीमियम वहाँ पे करेंगे तो इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसीज महंगी पड़ती हैं, तो जॉइंट लाइफ में लेने से सस्ता पड़ जाता है। तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला किस्सा है कि यू नो एक साथ ज़्यादा कवरेज मिल रहा है तो प्रीमियम थोड़ा सस्ता पड़ रहा है, और वहाँ पे अलग अलग पॉलिसीज ले रहे हैं तो प्रीमियम थोड़ा महंगा पड़ रहा है। चौथा पॉइंट कर देते हैं कि ये कवरेज ड्यूरेशन क्या होती है, भाई कवर कितना लंबा चलता है। तो जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जैसा मैंने आपको बताया भी था कि अगर किसी जॉइंट लाइफ में से किसी एक लाइफ की डेथ हो जाए दूसरे को क्लेम मिल जाता है, बट कुछ कंपनीज ऑप्शन देती हैं कि आप इस पॉलिसी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब जो सर्वाइविंग मेंबर होता है, सर्वाइविंग पार्टनर होता है, उसको वो आगे भी कंटिन्यू कर सकता है। नॉमिनी वो अपनी फैमिली मेंबर में किसी और को बना सकता है ना, वो बच्चे हो या कोई और हो। वैसे इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भाई या तो किसी ने को 10 साल या 20 साल या 25 साल का टेन्योर सेट किया हुआ है तो या तो वो पॉलिसी टेन्योर ख़त्म हो जाता है, अगर इंश्योर्ड पर्सन अलाइव है तब तो पॉलिसी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है, या उस टेन्योर के बीच अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ होती है तो वो क्लेम दे के पॉलिसी ख़त्म हो जाती है। और कुछ कुछ पॉलिसीज़ ऐसी भी होती हैं इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसीज़ में जो इंटायर लाइफ का कवरेज देती हैं टिल 99 ईयर्स ऑफ एज। तो उस होल लाइफ पॉलिसी या इंटायर लाइफ पॉलिसीज उसके लिए बोलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादातर केसेस में 99 साल तक 99 ईयर्स तक लोग जीते नहीं हैं, उतनी लंबी लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं होती है, तो उस रीज़न के चलते होल लाइफ पॉलिसी इनको बोला जाता है। तो इस तरह की कवरेज ड्यूरेशन के ऑप्शंस मिल जाते हैं इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी में कि आप अप टू 99 ईयर्स एज तक भी कवर करा सकते हैं, जो जॉइंट लाइफ में बहुत सारी कंपनीज नहीं देती हैं। तो आइए अब जानते हैं कि क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं जॉइंट लाइफ के और इंडिविजुअल लाइफ के, जिससे आपको और क्लैरिटी मिल पाए। अभी तो हमने फीचर्स कंपेयर किए, अब आपको क्लैरिटी मिल पाए कि अच्छाइयाँ और बुराइयाँ क्या हैं, क्या फ़ायदे नुकसान हैं। सो अगर आप और क्लैरिटी मिल पाएगी तो आप यू नो सेलेक्ट कर पाएंगे कि क्या आपके लिए क्या बेटर है।
तो पहले तो जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस का अच्छाई की बात करते हैं। तो पहला प्लस पॉइंट ये है, अगर कहीं पे हस्बैंड वाइफ एक कपल अगर ये पॉलिसी ले रहा है, तो कई केसेस में जहाँ पे एक स्पाउस या वाइफ नॉन वर्किंग है या होम मेकर है, उस केस में इन पॉलिसीज बहुत यूज़फुल साबित होती हैं, क्योंकि उनको इनकम प्रूफ नहीं सबमिट करने पड़ते और हस्बैंड अपने इनकम प्रूफ के चलते ही अपनी वाइफ को स्पाउस को भी इंश्योरेंस कवर करा सकते हैं सिंगल पॉलिसी के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही एक वजह है कि जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज मार्केट में कई लोग ऑप्ट करते हैं। अब सबसे बड़ा डीमेरिट क्या है? डीमेरिट ये है कि अगर गॉड फॉरबिड देयर इज अ सेपरेशन सिचुएशन, सेपरेशन की बात है या फिर डिवोर्स का है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑब्वियसली जो भी चीज़ जो जॉइंट में होती है उसमें ट्रबल हो जाता है तो पॉलिसी डिसकंटिन्यू होती है और उस केस में इतने साल तक प्रीमियम दिया वो सब वेस्ट चला गया, मतलब वो कवरेज भी ख़त्म हो जाता है। तो इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। जब आप इंडिविजुअली अलग अलग पॉलिसीज़ ले रहे हैं तो आप फ्लेक्सिबल होते हैं उस पॉलिसीज़ में फ़ीचर्स एड ऑन करने के लिए। आज की डेट में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बहुत सारे फीचर्स देती हैं, जैसे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट अलग से दे दिया, क्रिटिकल इलनेस राइडर दे दिया, जो शायद आप एक किसी एक इंश्योर्ड पर्सन के लिए चाहें बट दूसरे के शायद ना चाहें, डिपेंडिंग कि किसी को किसी कंपनी से बहुत ज़्यादा कवर मिल रहा है या कुछ और रीजंस हो या कुछ और बैकअप एसेट्स हो। तो आप इंडिविजुअली बड़े आराम से इन सारी चीज़ों को प्लान कर सकते हैं कि पार्टनर ए को क्या करना है, पार्टनर बी को क्या करना है, और वैसे ही आप अपने को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को। बट नेगेटिव फीचर क्या है ये भी बहुत जानना ज़रूरी है। नेगेटिव फीचर सबसे बड़ा है ज़्यादा प्रीमियम्स। तो जब आप अलग अलग पॉलिसीज लेते हैं तो आप प्रीमियम भी ज़्यादा देते हैं और जॉइंट लाइफ के मुकाबले आप ज़्यादा प्रीमियम देते हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें। तो आपको अगर लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम पड़ रहा है तो आप जॉइंट लाइफ भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये प्रीमियम ज़्यादा देना एक मेजर नेगेटिव पॉइंट है। अब मैं अपना टेक बता देता हूँ, अपना ओपिनियन बता देता हूँ कि इनके बारे में। मेरे हिसाब से अगर तो आप एक मैरिड कपल हैं जिसमें एक ही अर्निंग मेंबर है और सेकंड मेंबर इज़ नॉट अर्निंग, आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि उस केस में आप एक ही पॉलिसी में कम प्रीमियम देते हुए दोनों लाइफ को कवर कर सकते हैं और उस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं लंबे दौर तक। और अगर आप दोनों ही अर्निंग मेंबर्स हैं और इंडिविजुअल मेंबर इंडिविजुअल जॉब्स हैं आपके या प्रोफेशंस हैं, तो आप इंडिविजुअल पॉलिसी भी ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप अपने हिसाब से भाई आपकी कंपनी आपको क्या कवर दे रही है और आपको कितना लेना चाहिए, क्या आपके पर इंडिविजुअल लाइबिलिटीज़ हैं कि आपके इंडिविजुअल फाइनेंसेस हैं, उस हिसाब से आपको इंडिविजुअल पॉलिसी भी ज़्यादा सूट कर सकती है। बेशक थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा पड़े बट आप फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अपनी पॉलिसी खुद से कस्टमाइज वे में डिज़ाइन कर सकते हैं, तो वो ये चीज़ उसके फ़ायदे हैं। तो ये था फ्रेंड्स एक बेसिक कंपैरिजन बिटवीन जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस एंड इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी और आप लाइक और कमेंट करके ज़रूर हमें बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करते रहें, सपोर्ट करते रहें। हैव अ गुड डे।